हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो हु एम आई? यस, आई एम योर शाहू मैम। शाहू मैम वेलकम्स यू टू आवर ऑनलाइन वीडियो सेशन। ओके, सो व्हाट वी विल लर्निंग टूडेज क्लास? सो शाहू मैम क्या पूछते हैं, जब भी कोई क्लास शुरू करते हैं तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सो इन द लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, कौन बता सकता है? हु कैन से? यस, इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न्ड नंबर वन नेम ऑफ थिंग्स एंड नंबर टू नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड इट्स टाइम नाउ टू लर्न अबाउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट नेम्स ऑफ एनिमल्स। दिस इज योर यूनिट नंबर फाइव एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज नेम्स ऑफ एनिमल्स। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो लोग क्या रहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें क्या भी अलग उनका दूसरा नाम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स वी हैव टू लर्न अबाउट द एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज ए पिक्चर ऑफ हु कैन से। आपको क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पिक्चर के बारे में और किसके बारे में ये पिक्चर है, ये छवि है, आपको बताना है। सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल। कैमल कहाँ पे रहता है बच्चों? यस, कैमल लिव्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होते हैं ज्यादातर? इन डेजर्ट्स शोमिन, इन डेजर्ट, डेजर्ट इज फुल ऑफ सैंड्स, बालू से भरा हुआ रहता है, वो पूरा ड्राई एरिया होता है। डेजर्ट इज ए ड्राई एरिया एंड इन दैट ड्राई एरिया कैमल्स लीव। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखे नहीं हो ना, और ज्यादातर आप सी बीच भी जाओगे, देखो सी बीच में आप लोग कैमल देखते हो कि नहीं, क्योंकि सी बीच में भी बालू भरा रहता है, सैंड रहता है। ज्यादातर कैमल्स सैंड में रहना पसंद करते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कैमल्स लिव इन दे स्ट्रेज एट डेजर्ट। ओके, व्हाट इज दिस पिक्चर? दिस पिक्चर इज ए पिक्चर ऑफ गोट, जी ओ ए टी, गोट। गोट इज ऑल्सो ए ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वाई वी आर सेइंग गोट इज ए ग्रास ईटिंग एनिमल्स? बिकॉज इट ईट्स ग्रास, और अदरवाइज वी कैन से ऑल्सो इट्स ए फार्म एनिमल। फार्म एनिमल मतलब बच्चों जिसे हम घर में रखते हैं, तो गोट को हम लोग घर में रखते हैं क्योंकि गोट का मिल्क भी पीपल यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ, कौन बोल सकता है, यू कैन से, बिकॉज दिस एनिमल हैज ए ट्रंक। यस, इट्स ए पिक्चर ऑफ एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट इज ऑल्सो ए वाइल्ड एनिमल, इट लिव्स इन जंगल। एलिफेंट, हाथी, हाथी कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है। इसको वाइल्ड एनिमल भी हम लोग भी बोल सकते हैं, और इट हैज ए ह्यूज बॉडी, मतलब इसका बहुत बड़ा शरीर होता है, बहुत हेवी भी होता है, और ये बहुत डेंजरस भी होते हैं, ये लोग जंगल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या क्या पढ़े, कैमल, गोट, एलिफेंट। चलो नेक्स्ट लाइन में, सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ हॉर्स, दिस इज ए पिक्चर ऑफ हॉर्स, एच ओ आर एस ई। हॉर्स आप लोग ज्यादातर कहाँ पे देखते हो बच्चों? अच्छा, सेम थिंग, जैसे आप लोग सी बीच में कैमल भी देखते हो, वैसे सी बीच में हॉर्स भी देखता रहता है कि नहीं? हॉर्स राइड किए हो कि नहीं आप लोग? हाँ, अगर नहीं किया हो तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि हमें भी एक बार हॉर्स राइड का मजा लेने दो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा हॉर्स के बारे में और सब क्या क्या जानते हो? हाँ, ज्यादातर हॉर्स को भी हम लोग जू में भी देख सकते हैं, है कि नहीं? ज़ेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड ए हॉर्स, याद आया? चलो नेक्स्ट, फिश, एफ आई एस एच, फिश। ये फिश है, फिश कहाँ पे रहते हैं? फिश लिव्स इन वॉटर। जैसे ये कैमल, गोट, एलिफेंट और हॉर्स, ये सब सरफेस एरिया में रहते हैं, पर फिश वॉटर में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट,
Fox. 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 इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए वाइल्ड एनिमल. ये लोग सब जंगल में रहते हैं, है कि नहीं बच्चों? ये है फॉक्स. ओके नेक्स्ट. शीप. SHEEP. शीप. शीप को भी हम लोग क्या बोलते हैं? फार्म एनिमल. शीप को लोग घर पे भी रखते हैं क्योंकि शीप के स्किन से हम लोग क्या बनाते हैं? उसके स्किन के ऊपर जैसे जो सब उनके जो हेयर होते हैं ना, उनसे हम लोग गर्म कपड़े बनाते हैं. वी द आवर वुलियन गार्मेंट्स आर मेड अप ऑफ शिप्स हेयर. ओके ये जो शिप के स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, उनसे हम लोग वो गर्म कपड़ा बनाते हैं. बहुत गर्मी, हाँ, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हमें गर्म कपड़ा चाहिए कि नहीं, तो शिप वो लोग वही सब देते हैं. हमारे कितने यूज आते हैं शिप, है कि नहीं बच्चों? चलो नेक्स्ट. रैबिट. RABBIT. रैबिट. रैबिट इट्स ऑल्सो ए कॉल्ड एज ए ग्रास ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि ये घास फूस खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो रैबिट. नेक्स्ट टाइगर. TIGER. टाइगर कैसे आवाज करता है? हाउ इट रोर्स, सबको पता है. चलो जब स्कूल ओपन हो जाएगा ना, तो टीचर से आप लोग ये सब शेयर करना. सो टाइगर लिव्स इन जंगल फॉरेस्ट. ओके जंगल और फॉरेस्ट में टाइगर रहते हैं वो लोग सब. ओके बट ये लोग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, मतलब ये लोग मांस खाते हैं, घास फूस नहीं खाते, मांस खाते. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, टाइगर फॉक्स ये और एलिफेंट ये सब वाइल्ड एनिमल्स है. चलो नेक्स्ट. मंकी. MONKEY. मंकी. मंकी कहाँ पे रहता है? ये ज्यादातर आप लोगों को पेड़ों में नजर आएगा, ट्रीज में रहते हैं. फ्रॉम दे जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. स्पेशली दे लव्स टू ईट बनाना. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. लायन. LION. लायन. ये दिस वन ऑल्सो कॉल्ड एज ए वाइल्ड एनिमल. ये भी टाइगर के तरह एलिफेंट के तरह वो लोग जंगल में रहते हैं. दे लिव्स इन जंगल. दे लिव्स इन फॉरेस्ट. दे आर ऑल्सो लाइक एलिफेंट. इट इज ऑल्सो ए फ्लैश ईटिंग एनिमल, वाइल्ड एनिमल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. बियर. BEAR. बियर. बियर ऑल्सो लिव्स इन फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. कॉक. COCK. कॉक. कॉक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्गा. कॉक हम लोगों को सुबह उठाता कि नहीं अपनी आवाज का अपनी आवाज से? सब सुने हो कि नहीं बच्चों? सबसे पहले कॉक उठ जाते हैं और फिर सबको उठाता है. ओके दिस इज. और कॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स ए टाइप ऑफ बर्ड. नेक्स्ट पैरोट. PARROT. पैरोट. पैरोट का कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ पैरोट? ग्रीन. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स बिक? यस द कलर ऑफ इट्स बिक. देखो ये बिक है, बिक का कलर कैसा होता है? रेड. है कि नहीं बच्चों? ज्यादातर हम पैरट्स को भी देखते हैं. चलो नेक्स्ट. दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्नेक. SNAKE. स्नेक. और ये जो ये कौन सा स्नेक है? कोबरा है. स्नेक्स कहाँ पे रहते हैं बच्चों? स्नेक्स होल्स में रहते हैं, ठीक है. ये कॉक एंड पैरट्स ये सब पीपल अपने घर में भी रखते हैं, ये इसको पिंजरे में भी रखते हैं, या फिर ये अपने ये ट्रीज में भी रह सकता है. पर स्नेक को ज्यादातर लोग रखने के लिए डरते हैं. इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स ऑल्सो वेरी पॉइजनियस. विष होता है इनके शरीर में. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज डेंजरियस स्नेक. ओके ज्यादातर लोग होल्स में रहते हैं, होल्स सरफेस एरिया में भी रहता है या फिर जंगल में रहते हैं ऐसा. नेक्स्ट. ये किसका पिक्चर है? ओल. OWL. ओल. सो ये कहाँ पर रहता है? ओल लिव्स इन जंगल. ज्यादातर हम लोग कितने कब सोने जाते हैं? हम लोग नाइट में सोने जाते हैं. वी गो टू स्लीप और वी गो टू बेड एट नाइट. एंड एट नाइट दे स्टार्ट फॉर हंटिंग. फॉर हंटिंग दे स्टार्ट दे आर वॉकिंग. दैट मीन्स ये लोग रात में निकलते हैं अपना शिकार करने के लिए, क्योंकि वाई
देयर विजिबिलिटी कैपेसिटीज बिकम्स वेरी स्ट्रांग एट नाइट. उनका देखने का शक्ति ना रात में बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू डे. दिन के मैंने दिन में उनका विजिबल कैपेसिटी इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन रात में वो लोग अच्छे से देख सकते हैं. दैट्स वे वो लोग उनको रात्रि चर भी बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ये भी वन टाइप ऑफ बर्ड. गूज, इट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ बर्ड. GOOSE, गूज. दिस वन इज बी. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो जैसे हनी बी होता है कि नहीं? चलो, सो दिस इज ऑल्सो इंसेक्ट, BEE, इंसेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़े, देखो कितने सारे एनिमल्स, कितने सारे बर्ड्स, कितने सारे इंसेक्ट, सबके बारे में पढ़े कि नहीं? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज कैमल, दिस इज गोट, दिस इज एलिफेंट, दिस इज हॉर्स, दिस इज फिश, दिस इज फॉक्स, एंड दिस इज शीप, दिस इज रेबिट, दिस इज टाइगर, दिस इज मंकी, दिस इज लायन, दिस इज बियर, दिस इज कॉक, एंड दिस इज पैरट, दिस इज स्नेक, एंड दिस इज ओल, दिस इज गूस, एंड दिस इज बी. सो दीज आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स. आप लोगों को याद रहा? आर यू एबल टू रिमेम्बर इट? ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे हम लोग एनिमल्स के बारे में पता किए अभी, और एज यूजल हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे. वी विल डू आवर एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू गो थ्रू द बुक ऑल्सो एंड रिकॉल वॉट योर टीचर हैज सेड अबाउट दीज एनिमल्स, वॉट दे ईट एटसेट्रा एटसेट्रा, सब याद करो. और एक बार सारे पिक्चर्स को लाउडली पढ़ो विथ स्पेलिंग. लुक स्टूडेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी देयर. यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ द ऑल द नेम्स ऑफ एनिमल्स. सो फॉर टुडे दिस इज एनाफ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.